और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ग्वालियर जिले की सभी 6 में से 5 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। भितरबार से बीजेपी के मोहन राठौर 1976 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवीण पाठक आगे चल रहे हैं। ग्वालियर में तीसरा राउंड का काउंटिंग अपडेट है, आपको बता दें राकेश शुक्ला महगांव से 4855 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये अपडेट आपको बता दें। और 2200 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती आगे चल रहे हैं, ये दतिया का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। तो दूसरे राउंड में ग्वालियर से 867 मतों से सुनील शर्मा आगे चल रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर। और लहार से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह 1700 वोटों से पीछे चल रहे हैं, और ये हॉट सीटों में से एक मानी जाती है, बड़ा नाम है। दिमनी में 4 राउंड का अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 राउंड की गिनती हो चुकी है, और अभी तक बीजेपी 16496 और बीएसपी 12417 वोट इनके खाते में अभी तक पड़ चुके हैं। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 4356, बीजेपी 3700 वोटों से आगे चल रही है, और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती को अभी तक 7616 वोट मिल चुके हैं, और बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा को अभी तक 6434 वोट मिले हैं। तो राजेंद्र भारती शुरुआती रुझानों में आगे जाते दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को उनके सामने उतारा है। तो दतिया सीट का ये आंकड़ा है। और अगर भांडेर की बात की जाए तो भांडेर 21 से का अपडेट हम आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को अभी तक 5798 वोट मिले हैं। और ग्वालियर से हमारे साथ बात करने के लिए संवाददाता योगेश विश्वालिया जुड़ गए हैं। योगेश, ग्वालियर का रुझान क्या है? हालांकि शुरुआती रुझानों में सभी सीटों पर कांग्रेस जाती आगे दिखाई दी, और अब 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बीजेपी, क्या ये नतीजे होंगे या सिर्फ रुझानों में ही आगे हैं? योगेश मनीष जी मैं आपको बताऊं कि ये आपको मालूम है कि टोटल 22 राउंड है जी, और अभी सिर्फ ये शुरुआत है, चौथा राउंड चल रहा है, तीसरा राउंड का मतलब अंत हुआ, चौथा राउंड चल रहा है। तो इसमें अभी अपन को कहना ये उचित नहीं है कि लगातार कांग्रेस आगे है या बीजेपी जीतेगी, क्योंकि अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब फिर कांग्रेस आगे होने लगी, कई पहले 80 पे थी, 92 पहुंच चुकी है, और लगातार ज्यादा अंतराल नहीं है, 400-500 का अंतराल चल रहा है इस समय। तो अभी कहना अपन को ठीक नहीं है, स्थिति जो भी है लगभग 2-2.5 बजे तक क्लियर होगी, जब 12-14 राउंड हो जाएंगे, कि कौन बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, ये कहना भी उचित नहीं है। अभी तो मतपेटियां खुल रही हैं और रुझान आते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ग्वालियर ग्रामीण की अगर बात की जाए तो ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा है, महज 465 वोटों से आगे चल रहे हैं, उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। डबरा की अगर बात की जाए तो डबरा में इमरती देवी सिर्फ 1800 वोटों से आगे चल रही है। और अगर इसके अलावा बात की जाए ग्वालियर दक्षिण की, तो ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक 400, मतलब सभी अगर सीटों का हम एक औसत मिला के चले तो कहीं 400, कहीं 500, कहीं 1000, इससे ज्यादा का अंतराल जाता दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है या टक्कर ही नहीं है? नहीं, टक्कर बिल्कुल आप कह सकते हैं मनीष जी, कड़ी टक्कर है, और 1000 और 1500 वोटों को मायने रखती है। यदि 10000 से ऊपर पहुंचते हैं तो अपन सुनिश्चित कर देते हैं कि भाई इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है और चौथा राउंड अभी चालू हुआ है, और 22 राउंड है, काफी लंबे समय तक चलेगी काउंटिंग अभी, तो अभी कहना स्थिति स्पष्ट नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि ग्वालियर जो क्षेत्र है वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, अगर गढ़ में ही कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है या जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचा नहीं पाई है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने अलग योजना चलाई, केंद्र सरकार ने अलग योजना चलाई, दोनों योजनाओं को अगर मिलाकर देखा जाए तो यहाँ की जनता तक वो बातें नहीं पहुंच पाई जो समझाना चाह रहे थे। जी मैं आपको बताऊं कि देखिए ऐसा है कि सिंधियागढ़ में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन तो किया है, लेकिन लालडी बैजना जो योजना शिवराज सिंह ने चलाई थी तो उससे 5% या 4% फर्क पड़ा है, क्योंकि अभी मैंने जैसा आपको बताया कि रुझान आना चालू हुए हैं और अपन अभी बिल्कुल स्थिति साफ नहीं है कि कौन जीतेगा। लगातार कांग्रेस अभी 80 पे थी, अब 93 पहुंच चुकी है जैसा हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, तो अभी काउंटिंग लगातार चल रही है, तो यह अपडेट पूरी अपन 2-2.5 बजे कहना स्पष्ट होगा कि कौन सरकार बना रहा है इस समय। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें ग्वालियर से, जहां पर जिले की सभी 6 में से 5 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, और बता दें कि ग्वालियर से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। भितरबार से बीजेपी के मोहन राठौर 1976 वोटों से आगे चल रहे हैं, और कांग्रेस के लाखन सिंह पीछे चल रहे हैं। यहां पर 57 नेता में गिनती होती है लाखन सिंह की। इसके अलावा अगर बात की जाए ग्वालियर पूर्व से तो बीजेपी की माया सिंह महज 1000 वोटों से आगे चल रही है। माया सिंह
और अगर बात की जाए कांग्रेस के सतीश सिकरवार की तो वो पीछे चल रहे हैं। हाँ, आगे और पीछे का जो अंतर है 500 और 1000 के अंदर ही माना जा रहा है। और डबरा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी फिलहाल आगे चल रही हैं, कांग्रेस के सुरेश राजे पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह तोमर 2511 वोटों से आगे चल रहे हैं। ग्वालियर सीट की हम बात कर रहे हैं ग्वालियर से, और कांग्रेस के सुनील शर्मा पीछे चल रहे हैं ग्वालियर से। और ग्वालियर दक्षिण की अगर बात की जाए तो यहां पर ग्वालियर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा कई वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि काउंटिंग लगातार जारी है, 5 राउंड की गिनती यहां पर हो चुकी है। कांग्रेस के प्रवीण पाठक भी पीछे चल रहे हैं और प्रवीण पाठक यहां पर सिटिंग एमएलए हैं,